नमस्कार, आप देख रहे हैं गुड लक टुडे। आपके साथ मैं हूं सुनीता राय शर्मा और हमारे साथ मौजूद हैं पंडित शैलेंद्र पांडे। पंडित जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं तेल के ज्योतिषीय चमत्कारी प्रयोग की। जी हाँ, अलग अलग तरह के तेल कैसे आपकी अलग अलग मनोकामनाओं को पूरा करवा सकते हैं, कैसे तेल के अद्भुत प्रयोग से आप मनचाहा वरदान पा सकते हैं, इसी के बारे में आज हम बात करेंगे। शो की शुरुआत कर लेते हैं गुड लक मंत्र से। देखिए, आपको विवाह के कार्ड मिलते हैं, निमंत्रण के शुभ कार्ड मिलते हैं। कृपा करके विवाह के, शादी के और निमंत्रण के कार्ड्स को मत फाड़िए। इससे बृहस्पति कमजोर होता है और घर में शुभ शक्तियां घटने लगती हैं, कम हो जाती हैं। आप बाद में उन्हें रद्दी में बेच दें, वो रिसाइकल हो जाएं, बात फिर भी ठीक है। इन्हें जल प्रवाह कर दें, मिट्टी में दबा दें, फिर भी ठीक है। लेकिन शुभ चीजों का कार्ड है, शुभ अवसर का कार्ड है, उसे फाड़ करके कूड़े में फेंकना ऐसा कभी मत करिए। मंगल चीजों की जो निमंत्रण की स्थिति है, मंगल चीजों का जो आमंत्रण है, वो आपके घर में भी मंगल अवसर पैदा करता है। इसलिए ऐसे कार्ड्स को कभी मत फाड़िए, कभी मत फेंकिए। और चलिए अब बात पंचांग की करते हैं। तो 3 मार्च का पंचांग क्या कहता है, पंडित जी से समझिए। दिनांक 3 मार्च 2024, दिन रविवार, तिथि है फाल्गुन कृष्ण पक्ष की सप्तमी तिथि, प्रातः 8:44 तक। नक्षत्र है अनुराधा नक्षत्र, दोपहर 3:55 तक। चंद्रमा वृश्चिक राशि में संचरण कर रहे हैं। राहु काल का समय शाम को 4:30 से लगभग 6 तक। पश्चिम दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है, मजबूरी है, तो जरा सा पान का पत्ता खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। तो चलिए अब हम चर्चा की शुरुआत कर लेते हैं। तो आज हम तेल के कुछ प्रयोग जानने वाले हैं और समझने वाले हैं कि कैसे उससे भी आपकी मनोकामनाएं पूरी हो सकती है। लेकिन सबसे पहले समझिए कि क्या वाकई तेल हमारे जीवन या हमारे भाग्य पर असर डाल भी सकता है और ये कैसे मुमकिन होता है। पंडित जी, देखिए, किसी भी तरह का जो तेल है वो वास्तव में एक रसायन है, एक केमिकल है, और ये शुक्र तथा बुध से संबंध रखता है। अलग अलग तेल अपने गुणों की वजह से, सुगंध की वजह से और रंगों के आधार पर अन्य ग्रहों से भी संबंध रखते हैं। तेल के विभिन्न प्रयोगों से हम अपने आप को स्वस्थ रख सकते हैं। पूजा उपासना में इसका प्रयोग करके अपनी कामनाओं को पूरा कर सकते हैं और विभिन्न समस्याओं से बच सकते हैं। आपको पता होगा कि विवाह के समय बाकायदा एक रस्म होती है हल्दी और तेल लगाने की, ताकि शरीर स्वस्थ हो, शरीर की ऊर्जा बढ़े, त्वचा की समस्या दूर हो। और कुछ तेलों के अंदर ऐसे गुण होते हैं जो आपकी निगेटिव एनर्जी को सोख लेते हैं, इसलिए बाकायदा तेल लगाने की एक रस्म विवाह के समय भी रखी गई है। छोटा बच्चा जब जन्म लेता है तो उसको भी तेल लगाना, काजल लगाना, नए कपड़े पहनाना, इसकी रस्म होती है, क्योंकि ऑयलिंग, तेल का इस्तेमाल छोटे बच्चे के लिए भी बहुत ज्यादा जरूरी होता है। तो पंडित जी, आपने कहा कि तेल एक रसायन है और कैसे ये अलग अलग ग्रहों से जुड़ के हमारी जिंदगी को बदलता है, तो अब अलग अलग तरह के तेल की बात भी कर लेते हैं। सबसे पहले सरसों के तेल के बारे में जानते हैं, ये कैसे हमारे ऊपर ज्योतिषीय प्रभाव डालता है या हमारे जीवन पर असर डालता है, ये समझाइए। सरसों का तेल यानी मस्टर्ड ऑयल, ऐसा तेल जो हर तरह से प्रयोग में लाया जा सके, वो सरसों का तेल है।
इसका सीधा संबंध शनि देव के साथ जोड़ा जाता है। शनि संबंधी समस्याओं के निवारण में इसका प्रयोग अद्भुत लाभ देता है, अद्भुत लाभकारी होता है। शनि के कारण यदि शारीरिक कष्ट हो तो शरीर और बालों में सरसों का तेल लगाना चाहिए। शरीर दर्द के मामले में, ज्वाइंट पेन के मामले में शुद्ध सरसों का तेल बहुत फायदा करता है। परंतु अगर मंगल मजबूत हो तो सरसों का तेल ना लगाएं, वरना दाने निकल आएंगे। अगर शनि की साढ़े साती चल रही है तो पीपल के वृक्ष के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाना चाहिए। अगर बृहस्पति गड़बड़ है तो आपका मोटापा बढ़ेगा। ऐसी स्थिति में भोजन में रिफाइंड ऑयल के बजाय शुद्ध सरसों के तेल का इस्तेमाल करें, लाभ होगा। और अगर शनि की वजह से रोजगार की समस्या है तो सरसों के तेल का दान करना सबसे ज्यादा बेहतर परिणाम देगा। यानी सरसों का तेल खाना बनाने के, शरीर और बालों पर लगाने के, पूजा में जलाने के और दान करने के हर प्रकार के प्रयोग में आता है और हर प्रकार से विशेष लाभ पहुंचाता है। तो सरसों के तेल के बारे में हमने जान लिया है, कई और प्रकार के तेल हैं, उनकी भी आगे हम चर्चा करेंगे। उसके पहले अब राशिफल की शुरुआत करते हैं। मेष, वृषभ और मिथुन राशि का हाल जानते हैं सबसे पहले। मेष राशि, परिवार में आपकी व्यस्तता बनी रहेगी, धन खर्च से आपको परेशानी होगी, स्वास्थ्य पर ध्यान बनाए रखें। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर गुड़ का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें बहुत हद तक कम हो जाएंगी। शुभ रंग जिसका प्रयोग करेंगे वो होगा पीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%। मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम रहेगा। वृषभ राशि, वैवाहिक जीवन में सुधार होगा, करियर में आपके बेहतरी होगी, मानसिक समस्याएं समाप्त होंगी। भगवान सूर्य को अगर जल अर्पित कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा गुलाबी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%। मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। मिथुन राशि, रुके हुए काम आपके पूरे होंगे, धन लाभ के योग बन रहे हैं, स्वास्थ्य में आपके सुधार होता जाएगा। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करेंगे वो होगा धानी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 65%। मेहनत ज्यादा होगी और जितनी मेहनत करेंगे उतना ही आपको लाभ होगा। तो राशियों की चर्चा हम लगातार करते रहेंगे, उसके पहले अब अलग अलग तेलों के प्रयोग को लेकर भी कुछ और जानकारी लेते हैं पंडित जी से। सरसों के तेल के बारे में हमने जान लिया, आप जानते हैं कि बादाम का तेल कितना महत्वपूर्ण है आपके जीवन के लिए और कैसे हो सकता है उसका ज्योतिषीय प्रयोग पंडित जी? बादाम का तेल यानी अलमंड ऑयल, ये तेल खाद्य पदार्थ भी है, सौंदर्य प्रसाधन भी है और औषधि भी है। ये शुक्र और बुध दोनों से बड़े पक्के तौर से संबंध रखता है। बादाम का तेल चेहरे को चमकदार और सुंदर बना देता है।
ये बुद्धि और याददाश्त को अत्यंत प्रखर बना देता है, अत्यंत तेज कर देता है। अगर बुद्ध कमजोर है तो बादाम का तेल खाना भी चाहिए और सर में इसकी मालिश भी करनी चाहिए, लगाना भी चाहिए। राहु के प्रभाव अगर जीवन पर हैं तो उसको कम करने के लिए भी बादाम का तेल लगाया जाता है। दूध में बादाम के तेल की कुछ बूंदें डालकर ग्रहण करने से दिमाग बेहतरीन हो जाता है। ब्रेन को शार्प करने के लिए दूध में बादाम का तेल डाल करके कुछ हद तक पीना अच्छा होता है। तो ऐसे ही छोटे छोटे उपाय आपके लिए बहुत सारा लाभ लेकर आ सकते हैं, जिसके बारे में हम लगातार बातचीत करते रहेंगे। फिलहाल अब कर्क, सिंह और कन्या राशि का हाल भी जान लीजिए पंडित जी से। कर्क राशि, मानसिक स्थिति आपकी ठीक बनी रहेगी, मानसिक स्थिति बेहतर होगी, रुके हुए तमाम काम आपके पूरे होंगे, संतान पक्ष की उन्नति होगी। भगवान सूर्य को अगर जल अर्पित कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करेंगे वो होगा हरा, और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75% उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। सिंह राशि, धन की हानि हो सकती है, काम में आपके व्यस्तता रहेगी, स्वास्थ्य का ध्यान बनाए रखें। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर गुड़ का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें बहुत हद तक कम हो जाएंगी। शुभ रंग होगा लाल, और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%। मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम रहेगा। कन्या राशि, आर्थिक स्थिति ठीक रहेगी, कारोबार में लाभ होगा, छोटी यात्रा आपकी हो सकती है। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करेंगे वो होगा नीला, और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%। मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। और चलिए अब आगे बढ़ते हैं और आपके सवालों का रुख कर लेते हैं। तो हमारे शो में पहला सवाल कहां से आया है, इस बारे में पंडित जी से जानकारी ले लेते हैं। जी, आज का पहला प्रश्न हमें अर्चना ने लिखा है, और अर्चना हमें वाराणसी से मेल लिखती हैं। 11 जून 1998 का जन्म है, रात के 1:05 जन्म स्थान है वाराणसी। अर्चना जी कह रही हैं कि मैं प्रशासनिक सेवा की तैयारी कर रही हूं, उत्तर प्रदेश के प्रशासनिक सेवा की, क्या मेरा इसमें सिलेक्शन होगा, क्या मुझे सरकारी नौकरी मिलेगी। अर्चना जी, आपकी कुंडली के हिसाब से आपके एफर्ट्स में, आपके प्रयास में कमी है। अगर आप अपना प्रयास बढ़ाएं, अपना एफर्ट बढ़ाएं, तो निश्चित रूप से आपको सफलता मिलेगी। ज्योतिष के हिसाब से साल 2026 इसके लिए बिल्कुल सही समय दिखाई दे रहा है, आपको ठीक से प्रयास करना चाहिए। आप ऐसा करिए, एक माणिक्य बनवा के पहन लीजिए, लगभग 6 से 8 रत्ती का माणिक्य, तांबे या सोने की अंगूठी में, दाहिने हाथ की अनामिका अंगुली में, रविवार को प्रातः एक माणिक्य पहन लें, रोज सुबह सूर्य भगवान को जल चढ़ाएं
और सुबह के समय ही आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें, आपको लाभ होगा। और चलिए अब वक्त हो गया है आज के दूसरे सवाल का, लेकिन सवाल लेने से पहले आप सबको याद दिला दें कि अगर आप कोई भी जानकारी पंडित जी से हासिल करना चाहते हैं तो हमें लिख सकते हैं, हमारी ईमेल आईडी आपकी टीवी स्क्रीन पर है। अगला सवाल पंडित जी कहां से आया है? जी अगला प्रश्न संतोष जी ने हमें लिखा है और संतोष जी हमें गुजरात से मेल लिखते हैं। इनकी जन्म की तारीख है 6 मार्च 1969। जन्म का समय दोपहर के 2 बजे और जन्म का स्थान है दिल्ली। मेल लिखते हैं गुजरात से। संतोष जी लिख रहे हैं कि मैं नौकरी में परिवर्तन करना चाहता हूं और चाहता हूं कि परिवर्तन के बाद मैं दिल्ली पहुंच जाऊं, क्या ऐसा संभव होगा? संतोष जी, नौकरी में परिवर्तन और स्थान परिवर्तन दोनों निश्चित है आपका और दोनों आने वाले समय में ज़रूर होगा, लेकिन एग्जैक्टली दिल्ली नहीं पहुंच पाएंगे, उसके आसपास पहुंच जाएं, गुड़गांव पहुंच जाएं, चंडीगढ़ पहुंच जाएं, पंजाब में नज़दीक कहीं पहुंच जाएं, इसकी संभावना बन सकती है। और परिवर्तन के लिए आप अप्रैल के बाद कोशिश करिए, मई से लेके अक्टूबर के बीच में नौकरी और स्थान दोनों में परिवर्तन आपका होगा। फिलहाल आप रोज सुबह शाम एक मंत्र पढ़िए, ओम नमो भगवते राम दूताय, ओम नमो भगवते राम दूताय। इस मंत्र का सुबह शाम 108 बार जप करिए, हनुमान जी से प्रार्थना करिए, आपको लाभ होगा। तो चलिए इन उपायों का आप ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं और तेलों के प्रयोग को लेकर जानकारी पंडित जी से लेते हैं। तो हमने अब तक आमंड ऑयल और साथ ही मस्टर्ड ऑयल के बारे में पंडित जी से जानकारी ली है, अब बात करते हैं चमेली के तेल की। तो कैसे चमेली का तेल आपके भाग्य पर असर दिखाता है, आपकी जिंदगी पर असर दिखाता है, ये पंडित जी से समझिए। चमेली के तेल की बात करें, बहुत सारे लोग चमेली के तेल से परिचित हैं क्योंकि इसका पूजा में बहुतायत में प्रयोग होता है। चमेली का तेल बहुत ज्यादा खुशबू देता है, इसीलिए शुद्ध रूप से शुक्र और मंगल से संबंध रखता है। ये तेल ज्यादातर सुगंध और जलाने के काम में आता है। मंगल से संबंध रखने के कारण इस तेल को हनुमान जी को अर्पित किया जाता है। अगर कर्ज परेशान कर रहे हो तो हनुमान जी के सामने रोज या कम से कम मंगलवार को चमेली के तेल का दीपक जलाना चाहिए। अगर वैवाहिक जीवन अच्छा ना हो तो चमेली का तेल हल्का सा बालों में लगाना अच्छा है, शुक्र अपलिफ्ट हो जाएगा। युवावस्था में और विद्यार्थी जीवन में चमेली के तेल का प्रयोग नहीं करना चाहिए। मंगल अगर आपका खराब हो, मंगल निगेटिव रिजल्ट दे रहा हो, तो हनुमान मंदिर में चमेली के तेल का दान करना चाहिए या हनुमान मंदिर में हनुमान जी को चमेली का तेल और सिंदूर लगाना चाहिए। आप कर्जे से परेशान हैं, आप मुकदमे से परेशान हैं, बार बार दुर्घटनाएं होती हैं, बार बार आपके ऑपरेशन की नौबत आ जाती है, केवल एक काम कर लीजिए, मंगलवार को जब घर में दीपक जलाते हैं, रोज तो तिल के तेल का या घी का दीपक जलाते हैं, मंगलवार को हनुमान जी के सामने अपने घर में ही चमेली के तेल का दीपक जलाइएगा और एक बार प्रेम से हनुमान चालीसा का पाठ करिएगा। छोटा सा उपाय है और ऐसा अगर हर मंगलवार को किया जाए तो निश्चित रूप से लाभ होगा। तो चलिए ऐसे ही अलग अलग प्रयोग से कैसे आप अपनी किस्मत सुधार सकते हैं, इस बारे में हमारी बातचीत तो जारी रहेगी ही। फिलहाल तुला, वृश्चिक और धनु राशि के बारे में भी जानकारी ले लेते हैं पंडित जी से।
तुला राशि, मानसिक चिंताएं आपकी समाप्त होंगी, धन की स्थिति आपकी अच्छी रहेगी, काम का नया अवसर आपको मिल सकता है। भगवान सूर्य को अगर जल अर्पित कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करेंगे वो होगा सुनहरा, और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 80%। बहुत अच्छा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। वृश्चिक राशि, रुके हुए काम पूरे होंगे, धन लाभ के योग बन रहे हैं, स्वास्थ्य और मन आपका अच्छा रहेगा। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करेंगे वो होगा सफेद, और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 90%। सबसे ज्यादा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। धनु राशि, वाहन सावधानी से चलाएं, स्वास्थ्य का ध्यान रखें, ऑफिस में विवादों से बचाव करें। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर गुड़ का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें बहुत हद तक कम हो जाएंगी। शुभ रंग होगा नारंगी, और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%। मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम रहेगा। तो राशियों को लेकर हमारी चर्चा लगातार जारी है, लेकिन इसके बीच ही अब अलग अलग तेलों के बारे में पंडित जी से जो हम जानकारी ले रहे हैं उस चर्चा पर एक बार फिर से आगे बढ़ते हैं। जैतून का तेल, क्या है इसका ज्योतिषीय प्रयोग और कैसे ये आपकी जिंदगी पर असर दिखाता है? इसके कौन कौन से प्रयोग आप कर सकते हैं ताकि आपकी किस्मत सुधरे, इस बारे में पंडित जी से जानते हैं आप। जैतून का तेल यानी ऑलिव ऑयल, जैतून का तेल शुद्ध रूप से शुक्र से संबंध रखता है। इसे प्रयोग करने से शुक्र बहुत शक्तिशाली हो जाता है। अगर आपको डायबिटीज है या होने की संभावना है तो भोजन में जैतून के तेल का, ऑलिव ऑयल का प्रयोग करिएगा। अगर व्यक्तित्व को आकर्षक बनाना है तो बालों की और शरीर की मालिश जैतून के तेल से करें, अच्छा रहेगा। बच्चों की मालिश अगर जैतून के तेल से की जाए तो बच्चे बीमार नहीं पड़ते। और अगर घर में जैतून के तेल का दीपक घर के बीचों बीच में या लिविंग एरिया में जलाया जाए तो घर में प्रॉस्पेरिटी यानी समृद्धि बनी रहती है। देखिए, अगर आपको लीवर की समस्या है, फैटी लीवर है, डायबिटीज है, कोलेस्ट्रॉल की समस्या है, सारे तेल छोड़ करके ऑलिव ऑयल का प्रयोग करना शुरू करिए, आप स्वस्थ हो जाएंगे। दूसरा, अगर आपको लगे कि आपके घर में थोड़ी खुशहाली आए, घर हंसता सा खिलखिलाता सा महसूस हो, तो आप अपने घर के लिविंग एरिया में एक जैतून के तेल का छोटा सा दीपक रोज शाम को जलाना शुरू करें, आपके लिए बहुत बढ़िया होगा। तो ये तमाम छोटी छोटी बातें अगर आप तेल के प्रयोग के ध्यान में रखें तो आपकी हर तरह की समस्या भी खत्म हो सकती है, और जैसा प्रभाव आप अपने जीवन में पैदा करना चाहते हैं उसका असर भी आप ला सकते हैं अलग अलग प्रयोगों से, तो जरूर इसका लाभ लें। आगे बढ़ते हुए मकर कुंभ और मीन राशि की चर्चा करते हैं और राशिफल को जानते हैं। मकर राशि, मानसिक चिंताएं आपकी दूर होंगी, मन बेहतर होगा,
आर्थिक स्थिति में आपके सुधार होगा, करियर की बाधाएं समाप्त होंगी। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करेंगे वो होगा क्रीम, और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%। मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। कुंभ राशि, धन लाभ के योग बन रहे हैं, करियर में आपको लाभ होगा, स्वास्थ्य आपका बेहतर होगा। भगवान सूर्य को अगर जल अर्पित करें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करेंगे वो होगा आसमानी, और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 80%। बहुत अच्छा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। मीन राशि, करियर में नए अवसर मिलेंगे, शिक्षा प्रतियोगिता में सफलता मिलेगी, धन लाभ के योग बन रहे हैं। खाने पीने की वस्तु का अगर दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करेंगे वो होगा जामुनी, और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75%। उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। और चलिए आगे बढ़ते हैं, एक बार फिर से आपके सवालों का रुख करें। तो तीसरा सवाल हमारे पास कहां से आया है पंडित जी, से इस बारे में जान लेते हैं। जी, अगला प्रश्न हमें मैत्रेयी जी ने लिखा है, और मैत्रेयी जी हमें कोलकाता से मेल लिखती हैं। इनकी जन्म की तारीख है 23 जून 1978। जन्म का समय है शाम के 6:05। जन्म स्थान है हावड़ा चिंसुरा कोलकाता। ये कह रही हैं कि कुछ दिनों से मेरा स्वास्थ्य अच्छा नहीं चल रहा है, तो मैं क्या उपाय करूं जिससे मेरा स्वास्थ्य बेहतर हो। दूसरा ये भी लिख रही हैं कि पैसे को बचाने की बहुत कोशिश करती हूं, लेकिन पैसे की बचत नहीं हो पाती है। देखिए, सबसे पहले बता दूं कि स्वास्थ्य के मामले में घबराने जैसी कोई बात नहीं है, लेकिन थोड़ा एक्सरसाइज करिए, थोड़ा टहलिए, थोड़ा सा आसन वगैरह करिए, ताकि आपके हड्डियों की समस्या ठीक हो जाए। हड्डियों में, नसों में जो दिक्कत है वो टहलने से, एक्सरसाइज करने से निश्चित रूप से बेहतर हो जाएगी। दूसरी बात यह है कि स्वास्थ्य को लेकर के परेशान मत होइए। जून 24 के बाद से स्वास्थ्य आपका बेहतर दिख रहा है। पैसे की बचत की जहां तक बात है, देखिए सारा काम ज्योतिष नहीं करेगा, कुछ अपने तरफ से भी प्रयास करना पड़ेगा। खर्चे पर थोड़ा सा कंट्रोल करिए आप खुद की तरफ से, और हर शनिवार को किसी निर्धन व्यक्ति को सिक्कों का, क्वाइंस का दान करिए। 10 के सिक्के, 20 के सिक्के, 5 के सिक्के, जो भी आप दान कर सके हर शनिवार के शनिवार करिए। इससे आप पैसे बचा पाएंगी। और एक माणिक्य बनवा के पहन लीजिए, लगभग 6 से 8 रत्ती का माणिक्य, तांबे या सोने की अंगूठी में, दाहिने हाथ की अनामिका अंगुली में। रविवार को प्रातः माणिक्य पहनने से आपको लाभ होगा। और अब वक्त है आज के चौथे और आखिरी सवाल का, लेकिन सवाल लेने से पहले एक बार फिर से याद दिला दें कि अगर आप भी पंडित जी से जानकारी लेना चाहते हैं तो अपनी पूरी बर्थ डिटेल के साथ सवाल हम तक पहुंचाएं। इस वक्त जो ईमेल आईडी आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रही है उस पर। पंडित जी, कहां से आया है चौथा सवाल? जी, आज का अंतिम प्रश्न विजय शंकर जी ने हमें लिखा है, और विजय शंकर जी हमें प्रयागराज उत्तर प्रदेश से मेल लिख रहे हैं।
विजय शंकर जी अपनी पुत्री के बारे में जानना चाहते हैं। इनकी पुत्री की जन्म की तारीख है 14 अगस्त 1986, 1986। जन्म का समय है रात में 11:45 और जन्म का स्थान है प्रयागराज। ये कह रहे हैं कि मेरी पुत्री का विवाह कुछ समय पहले मैंने किया था और उसमें अब डिवोर्स होने की स्थिति बन गई है, तो आगे का उसका भविष्य कैसा रहेगा? क्या डिवोर्स होने के बाद भविष्य में उसकी दूसरी शादी हो पाएगी? देखिए, सबसे पहले आपको बता दूं कि आपकी पुत्री का ये डिवोर्स जो हो रहा है वो बड़ी आसानी के साथ इसी साल हो जाएगा और उसी में भलाई भी है, क्योंकि इनके वैवाहिक जीवन में हिंसा जैसी स्थिति भी दिख रही है। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि दूसरा विवाह इनका 2025 के अंत में करिएगा। 2025 के अंत में स्वयं की इच्छा से किसी जाने पहचाने लड़के से इनका विवाह होगा और वो विवाह इनका कुल मिला जुला कर अच्छा रहेगा। ऐसा करिए, आपकी बेटी का डिवोर्स जल्दी हो, जल्दी दूसरा विवाह हो, जीवन सुखमय हो, इसके लिए इनको एक ओपल बनवा करके पहना दीजिए। एक 10-12 रत्ती का ओपल चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की तर्जनी उंगली में शुक्रवार की शाम को एक ओपल पहना दें। और दूसरा, अपनी पुत्री से बोलें कि वो रोज सुबह एक बार राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करेंगी, ताकि स्वास्थ्य में और मानसिक स्थिति में किसी तरह की समस्या ना हो। तो पंडित जी, हमने तमाम तरीके के तेलों की आज बात की है, लेकिन हमने नारियल के तेल की बात नहीं की, जिसका खास तौर पर देखिए दक्षिण भारत में खाने से लेकर हर तरीके से प्रयोग होता है, उत्तर भारत में भी खूब प्रयोग होता है, तो इसको लेकर भी जानकारी दें, इसका क्या प्रभाव हमारे जीवन पर पड़ता है? सरसों के तेल की तरह नारियल का तेल भी खाने में, जलाने में, लगाने में इस्तेमाल होता है। और नारियल के तेल के कुछ गुण ऐसे हैं जो अपने आप में बड़े अनूठे हैं। चंद्रमा से संबंध रखता है नारियल का तेल, और नारियल का तेल अगर आप नियमित रूप से अपने बालों में लगाएं तो आप जान लीजिए कि आपके बाल झड़ने बंद हो जाएंगे। उसमें कुछ मिलाना नहीं है, शुद्ध नारियल का तेल अपने बाल में सप्ताह में 2 दिन लगाइए और लगाकर देखिए, लंबे समय तक आपके बाल झड़ने बंद हो जाएंगे। शरीर में कहीं दाग धब्बे हैं, त्वचा में खराश है, स्किन की कोई प्रॉब्लम है, कटा फटा है, नारियल का तेल बहुत अच्छा काम करता है त्वचा की किसी भी समस्या को दूर करने में। और खास तौर से जिनको अक्सर बालों में रूसी हो जाती हो या जिनके बाल मजबूत काले घने ना होते हों, ऐसे लोगों को नियमित रूप से सप्ताह में 2 दिन नारियल का तेल लगाना चाहिए, उन्हें लाभ होगा। और रेगुलर नारियल का तेल लगाने से जो मानसिक चिंता है, जो मानसिक तनाव है, वो काफी हद तक दूर हो जाएगा। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और बात उनकी कर लेते हैं जिनका जन्मदिन 3 मार्च को है। हैप्पी बर्थडे, बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। और पंडित जी का प्रेडिक्शन क्या है आपके आने वाले साल के लिए, ये भी जानते हैं। जिन लोगों का जन्मदिन 3 मार्च को है, उन्हें हम सबकी तरफ से जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। आने वाले वर्ष में स्वास्थ्य की समस्याओं में सुधार होगा, धन और कर्ज की समस्या दूर होगी, करियर के बड़े निर्णयों में इस साल सावधानी रखिएगा। अभी भी विवाह होने के और संतान होने के मामले में विलंब होगा। क्या करेंगे? पूरे साल भर बृहस्पति मंत्र का जप करें, ओम ब्रिम बृहस्पतये नमः, तो ये वर्ष आपके लिए बहुत अच्छा होगा। और चलिए अब बारी आज की जिज्ञासा की। जिज्ञासा में सवाल ये है पंडित जी कि क्या ज्यादा पूजा उपासना करने वालों को जीवन में ज्यादा कष्ट भोगना पड़ता है? कई लोग ऐसा कहते हैं कि इतना पूजा पाठ करते हो क्या फायदा, दुखी तो झेल रहे हो।
बहुत सारे लोग ऐसा कहते हैं कि जितनी पूजा पाठ करोगे उतनी तकलीफ उठानी पड़ेगी, इसलिए पूजा पाठ कम किया करो या मत किया करो, क्या करना चाहिए? देखिए, पूजा उपासना अपने मन की शांति और ईश्वर से संबंध रखने के लिए की जाती है। कष्ट भोगने से इसका कोई लेना देना नहीं है। आपने पूर्व जन्म में जो संस्कार बनाए हैं उसका प्रारब्ध आपको इस जन्म में भोगना होगा। पूजा पाठ से क्या होता है कि जो आपके प्रारब्ध है ना, वो जल्दी जल्दी खत्म होने शुरू हो जाते हैं, तो एक के बाद एक कष्ट फटाफट आता है ताकि उसको भोग करके आप जल्दी से जल्दी मुक्त हो जाएं, वरना फिर जन्मों जन्मों तक ढोते रहिए। व्यक्ति अपने जीवन में कष्ट अपने कर्मों की वजह से और अपनी मानसिक स्थिति की वजह से भोगता है। पूजा पाठ अगर ईमानदारी से करेंगे, शुरुआत में कष्ट तेजी से आएंगे ताकि आपके जो पूर्व के पाप हैं, पूर्व के नकारात्मक कर्म हैं, वो नष्ट हो जाएं और बाकी समय आप आराम से ईश्वर की तरफ चल सके। और चलिए अब जानकारी शुभ पहर की ले लें। 3 मार्च के लिए शुभ पहर आखिर क्या होगा पंडित जी? दिनांक 3 मार्च 2024 दिन रविवार का शुभ पहर। शुभ पहर का समय है शाम को 7:30 से रात के 9 बजे के बीच में। इस समय में एक बार सुंदर कांड का पाठ कर लीजिएगा। ऐसा करने से आपके करियर की बाधाएं दूर हो जाएंगी, लेकिन करेंगे शुभ पहर में ही। 3 मार्च रविवार शाम के 7:30 से रात के 9 बजे के बीच में। और चलिए अब आज की गुडलक राशि के बारे में भी जानते हैं। तो कुंभ राशि आज की गुडलक राशि है और इसके बारे में पंडित जी क्या जानकारी देंगे ये सुनिए। हम आजकल आपको बता रहे हैं कि अपने किसी भी कार्य में सफलता के लिए आप घर से क्या खाकर निकलें। तो अपने कार्य में सफलता के लिए कुंभ राशि के लोग घर से लौंग खा करके निकलें। जिस भी कार्य के लिए निकलेंगे उस कार्य में आपको लाभ होगा, सफलता मिलेगी। और चलिए अब जानते हैं कि पंडित जी आज महा उपाय में आप सब लोगों के लिए क्या लेकर आए हैं पंडित जी। जी, आप शरीर दर्द की समस्या से परेशान हैं, दवाइयां भी चल रही हैं, आसन एक्सरसाइज भी कर रहे हैं, लेकिन उतना फायदा नहीं हो रहा है, क्या करें? एक जादुई तेल बताते हैं आपको। नीले रंग की कांच की बोतल लीजिए, ब्लू कलर की होनी चाहिए, इसमें सरसों का तेल भर लीजिए और ढक्कन लगा दीजिए। इस तेल को धूप में, दिन में, रात में, छत पर खुले में, ताकि धूप भी लगती रहे, चंद्रमा की रोशनी भी लगती रहे, लगभग 7 दिनों तक रख लीजिए। तेल आपका ऊर्जावान हो जाएगा और जब भी शरीर में कहीं दर्द हो इस तेल को लगाइएगा, आपको विशेष फायदा होगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका पंडित जी ये पूरी जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। धन्यवाद। तो चलिए, आपसे मुलाकात होती रहेगी, लेकिन फिलहाल शो में इतना ही। देश दुनिया की बाकी तमाम अच्छी खबरों के लिए आप देखते रहिएगा GNT।